बिकनगांव के मोहनखेड़ी में महिला की हत्या कर शव को घर में ही गाड़ देने वाले मुख्य आरोपी को बिकनगांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी को वारदात के स्थान पर ले जाया गया, जहां उसने वारदात की पूरी हकीकत बताई। थाना बिकनगांव पर अपनी लड़की छाया बाई के बिना बताए कहीं चले जाने की सूचना पर गुम इंसान प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। परिजनों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई थी कि ग्राम मोहनखेड़ी के संतोष गोलकर के साथ प्रेम संबंध होने की वजह से उसी के साथ गई होगी, जिस पर संतोष गोलकर व छायाबाई की तलाश पतारशी की गई एवं मुखबिरों को जानकारी एकत्रित करने में लगाया गया, जिस पर दिनांक 27/1/2021 को सूचना प्राप्त हुई थी कि छायाबाई को जान से मारकर शव को संतोष ने अपने ही घर में गाड़ दिया है। घटना के पश्चात से ही फरार आरोपी संतोष पिता किशोर गोलकर उम्र 42 साल निवासी मोहनखेड़ी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक खरगोन शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई थी। उक्त कार्यवाही हेतु मुखबिरों को एवं पुलिस स्टाफ को सक्रिय कर सूचनाएं संकलित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस द्वारा हत्या के मुख्य आरोपी संतोष पिता किशोर गोलकर उम्र 42 साल निवासी मोहनखेड़ी को गिरफ्तार किया गया। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। इसने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की, क्या पूरा मामला है? ये फरियादी भाईराम द्वारा दिनांक 3 को एक सूचना दी गई थी कि इसकी लड़की छाया भाई मिसिंग थी, जिसकी तलाश के लिए इसने कहा था कि इसके आरोपी संतोष के साथ प्रेम संबंध संभवतः उसी के साथ चले गए, फिर जिसमें मुखबिरों के सूत्र के अनुसार 27 को मृतका की लाश बरामद की गई थी और अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और इसका मुख्य आरोपी फरार था, जो आज दिनांक को मुखबिर की सूचना पर बैतूल से गिरफ्तार किया गया है। सर, जैसे कि जानकारी मिली है कि आरोपी ने हत्या कर फरार हो गया था, तो कैसा था मामला पूरा, कहाँ कैसे गिरफ्तार किया आरोपी? ये इसने हत्या के बाद ये फरार हो गया था। मुखबिर की सूचना मिली थी कि ये नागपुर तरफ से आ रहा है, जिसे आज बैतूल में गिरफ्तार किया गया है। तो सर, किस तरीके से हत्या की गई थी आरोपी का? इसने मृतका के पहले एक कील से प्रहार किया था इसके गले में, लेकिन इससे कोई असर नहीं हुआ था, तो फिर ये उसके ऊपर बैठ के गला दबा के इसकी हत्या करी है। सर, ऐसा क्या कारण था कि आरोपी द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया और महिला की हत्या करके घर में दफना दी गई? इनका प्रेम संबंध था शुरू में, लेकिन बीच में कुछ इनकी खटास आ गई है, इसी बात को लेकर इसने घटना को अंजाम दिया। सर, आरोपी पर कुछ इनाम भी घोषित किया गया था? हाँ, आरोपी फरार था, तो इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। भूमिका पुलिस किन आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हमने करीब 4 टीमें बनाई थी, जिसमें से एक टीम हमारी गुजरात भी गई थी। गुजरात में सूरत के आसपास ये जो आरोपी है, ये ईंट का बनाने का काम भी करता है, तो हमारे यहाँ से गुजरात लोग जाते हैं ईंट बनाने के लिए। हमने वहाँ भी कोशिश की थी, करीब 8 दिन तक सूरत के आसपास और जितने ईंट भट्टे थे सब में तलाश की, वहाँ लोगों से पूछा था, वहाँ इसकी कोई जानकारी नहीं मिली थी। इंदौर में इनके रिश्तेदार थे, वहाँ भी जाकर के हमने काफ़ी दिनों तक सर्चिंग किए और जितने संभावित स्थान थे जहाँ ये पूर्व में जा चुका था वहाँ भी हमने देखा था। फिर ये अंत में ये हुआ कि किसी नई जगह पर पहुँचा है। फिर हाल ही में एक टीम हमारी जो काम कर रही थी, तो उसको ये सफलता मिली है। और ये हुआ इसलिए है कि जैसे ये अभी हाल ही में महाराष्ट्र में कई जगह लॉकडाउन लगा है, नागपुर में भी लॉकडाउन लगा था, तो चूंकि जिस शहर में लॉकडाउन रहता है वो पूर्णतः बंद हो जाता है, तो इसलिए अब हमको ये उम्मीद थी कि ये अगर वहाँ होता तो ये कहीं ना कहीं जिस शहर में लॉकडाउन लगा है वहाँ से इसको भागना पड़ेगा। तो ये नागपुर में लॉकडाउन लगने से ये वहाँ से रवाना हुआ था, और क्योंकि हमारी टीम लगी हुई थी और टेक्निकल टीम भी लगी थी, तो हमको तुरंत तो इसकी खबर मिल गई मुखबिरों से भी कि ये नागपुर से निकल के बैतूल में कहीं काम की तलाश कर रहा है। तो बैतूल में एक अनजान व्यक्ति के द्वारा सडनली काम ढूंढना और लोगों से पूछना कि हमको काम मिलेगा कि नहीं, तो इस तरह की सूचनाएँ हमारे पास तक पहुँचने लगी। हमने यहाँ से तुरंत टीम रवाना की और मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँचे थे जहाँ पर ये इसकी संभावना थी, क्योंकि इसकी हमको पहचान थी, तो इसको हमने जाके वहाँ से बैतूल से इसको दबोच लिया। सर, इतने जघन्यतापूर्ण हत्याकांड को इसने अंजाम दिया,
तो कुछ इसने बताया कि किस तरीके से इसने हत्याकांड को अंजाम दिया? ये इसका छाया भाई से प्रेम संबंध था, और क्योंकि ये शादी करने वाले थे, छाया भाई के 4 बच्चे हैं, उनके स्कूल के कपड़े लत्ते सारी चीज़ों की व्यवस्था ये करता था। इसके लिए इसने अपना खेत भी बेच दिया था, और बाद में फिर इसको पता चला कि वो किसी और से भी उसका प्रेम संबंध है, तो इस बात से इसमें आक्रोश आ गया था, और इसने हत्या के पूर्व ही पूरी योजना प्लानिंग कर ली थी कि इसको मार के गाड़ना है ताकि किसी को पता नहीं चले। और इसने गांव के एक बाला नाम के व्यक्ति से पूर्व में ही गड्ढा खुदवा लिया, उसको ये 200 रुपये दिए इसने, और बताया कि हमको पानी की टंकी बनाना है अंडरग्राउंड, और गड्ढा खुदवा लिया। फिर जब इसको मौका मिला, इसने छाया भाई से बात की और उसको अपने घर ले गया, और घर ले जा करके उसको, क्योंकि इसका इरादा ही था, इसने बात बात में उसके बाल पकड़ के उसको वहीं एक किला था किला मारा, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ, तो इसने उसको पटक के छाती पर बैठ के गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। क्योंकि हत्या करने के बाद में ये घबरा गया था, तो इसने ले जा के जैसे तैसे गड्ढे में तो पटक दिया था, लेकिन उसको दफना नहीं पाया। फिर इसने अपने माँ और भाई की मदद ली और ये फरार हो गया उनको बता करके। और पिपराड़ में इसकी बुआ रहती है, बुआ के लड़के को अनिल को बताया इसने, तो ये तीनों ने मिलकर उसको गाड़ दिया और उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट का प्लास्टर कर दिया था। वो तीनों को हमने पूर्व में पकड़ लिया था, उनको जेल भी भेज दिया है, और इसको अभी सफलता मिली है। किन किन धाराओं में प्रकरण बने? इसमें हत्या करने की और साख छुपाने की धाराओं में हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपी को जेल भेजा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।